इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग अगर सीपीयू यूटिलाइजेशंस टू लो हो, बहुत ज़्यादा लो स्पीड हो, तो चलिए आज इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्री टाइप करना, यहाँ लोकल मशीन पे जाना। लोकल मशीन पे जाने के बाद आप सिस्टम में जाना, सिस्टम के बाद सर्विस है, सर्विस पे क्लिक करना आप, फिर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इंटेल पीपीएम है, आप इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट है, इस पे आप मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे 4 वैल्यू कर देना आप। 4 वैल्यू करने के बाद आप इसको ओके पर क्लिक कर देना, फिर उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना। अगर नहीं होता है तो आप सेकेंड मेथड में बताता हूँ आपको। यहाँ पर टाइप करना पावर एंड स्लीप सेटिंग, इस पर क्लिक करना आप, पावर एंड स्लीप पे क्लिक करना, फिर एडिशनल पावर सेटिंग है इस पर क्लिक करना आप, यहाँ पे चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप इस पर क्लिक करना आप, फिर चेंज एडवांस पावर सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट है, आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फिर मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट है इस पर क्लिक करना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बैटरी 100% होनी चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 100-100 होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर वैल्यू यहाँ पे कम है तो आप यहाँ पे 100-100% कर सकते हो, फिर अप्लाई करके ओके कर देना आप। तो आई होप रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।